स्वयं हो रहे हैं, यानी जो ज्ञान व्यापी में मिले शिवलिंग को लेकर सब स्वयंभू। देखिए स्वयंभू अपनी अपनी जगह ले रहे हैं, अभी वो मामला सुप्रीम कोर्ट में, जब न्यायालय में रहता है उस पर किसी को टिप्पणी, खासकर मैं एक गोरखपुर का सांसद हूँ तो मुझे टिप्पणी करना ठीक नहीं रहे। सर देखा जा रहा है कि लगातार विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव सरकार को भ्रष्टाचार और महंगाई को लेकर घेरने का कार्य कर रहे हैं। देखिए हार जीत लगी रहती है, मुझे कल उनकी बातों से, मैं उनको जानता हूँ, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, आदर विपक्ष के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन कल उनकी जो बोली और वाणी थी सदन में, एक सदन की गरिमा होती है, हम लोग भी पार्लियामेंट में दिल्ली में बैठते हैं, उस गरिमा का उन्होंने पालन नहीं किया, तू तड़ाक और एबे ओबे ओबे जो शब्दों का इस्तेमाल था उनसे उनकी छवि बड़ी धूमिल हुई है, और वो उनसे पता चलता है कि उन्होंने उनको हार बहुत बुरी तरह उनको हार का झटका लगा है और हार को पचा नहीं पाए हैं। देखिए हार जीत का मतलब ये नहीं कि आप सम्मान करना भूल जाएं, और नेता अगर हमारे अभी सरकार के नेता हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं केशव प्रसाद मौर्य जी, सीनियर नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कार्यकर्ताओं संगठन के साथ रहें, उनके साथ शब्दावली जैसे उनकी रही उससे देश में इनकी छवि बहुत गिरी है अखिलेश यादव जी की, जो कि ऐसी हमको उम्मीद नहीं थी, कि हमको लगा था सदन में गए हैं विपक्ष के इतने बड़े नेता हैं, 100 से ज़्यादा उनकी सीटें हैं, एक गंभीरता रहेगी, एक शालीनता रहेगी, और अब ये गंभीर उत्तर प्रदेश है, ये बाहुबली और आतंकवादी और माफियाओं का नहीं है, गुंडे वाली भाषा और गुंडे शब्दों से बचना चाहिए। ठीक है सर, आप फिल्म इंडस्ट्रीज के सुपरस्टार हैं और जौनपुर जिले के निवासी हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री बन जाने से कितना फायदा होगा? बहुत, लाखों बच्चों को रोजगार मिलेगा, अनगिनत रवि किशन पैदा होंगे, अब किसी रवि किशन को जाके बम्बई में स्ट्रगल नहीं करना होगा, यही बात तो जी महाराज जी चाहते थे, यही सोच हमारी भी थी कि सारे बच्चों को, सारे कलाकारों को हम लोग यहाँ अपनी ज़मीन पर रोज़गार दें, अपने माँ बाप के पास बच्चे रहें, और कला के क्षेत्र में भी सबको आना चाहिए, क्योंकि कला का क्षेत्र एक बहुत बड़ा रोज़गार देता है, सारे लोग IAS IPS डॉक्टर नहीं बन सकते, कला की स्किल्स भी है, एडिटिंग डबिंग है, लिरिक्स हैं, राइटिंग है, पोस्ट प्रोडक्शन है, कारपेंट्री जॉब है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए धन्यवाद सर। सर सबसे पहले ने अपने दूसरे कार्यकाल का बजट पेश किया है, इसमें महिलाओं और युवाओं को कितना फायदा हुआ है सर? देखिए पूरा ये गरीबों के कल्याण का बजट रहा, इसमें महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, मेडिकल सुरक्षाओं मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए, सड़कों के लिए, किसानों के लिए, गरीब गुरबा के लिए, आप देखेंगे पूरा बजट कहीं 600 करोड़ है, कहीं 800 करोड़ है, कहीं 1000 करोड़ है। गोरखपुर को भी उन्होंने बहुत बड़ा, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, मैंने विजय महाराज जी को ट्वीट करके धन्यवाद भी दिया, मैं उनको दिल से धन्यवाद देता हूँ कि हमारे यहाँ आयुष विद्यालय जो 300 करोड़ में बन रहा है, यहाँ पहली बार होगा कि देश में एक ऐसा आयुष विद्यालय होगा जहाँ पर लोग रहेंगे, और बड़ा कैंपस है, राष्ट्रपति जी ने उद्घाटन किया था उसको, 300 हमारे यहाँ चिड़ियाघर है, बहुत बड़ा गोरखपुर एक टूरिस्ट हब बन चुका है, और उन्होंने मेट्रो रेल की सौगात 100 करोड़ का बजट हमको गोरखपुर में दिया है, तो ये जितना ये बजट में पूरा जैसे उत्तर प्रदेश का कल्याण होगा, एक नया उत्तर प्रदेश, जैसे एक नया भारत यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के पद चिन्हों पर चलते हुए नया उत्तर प्रदेश पूज्य महाराज जी बना रहे हैं, तो उसका ये बजट था, तो मैं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी को दिल से साधुवाद दूंगा, अद्भुत बजट रहा है, गरीबों के कल्याण के लिए, बेटियों के कल्याण के लिए, एजुकेशन के लिए, मेडिकल सुविधाओं के लिए, सड़कों के लिए, बिजली के लिए, पानी के लिए, किसानों के लिए, हर चीज़ में उन्होंने जो व्यवस्थाएं की हैं, जो पैसे कहीं पर भी बोझ नहीं आया इस बजट से, तो यानी कि सर इस बजट से लोगों की अपेक्षाएं पूरी हुई, कल्याण है, ये पूरा उत्तर प्रदेश का कल्याण का बजट है, बहुत बड़ा कल्याण होगा, और एक संत एक निस्वार्थ त्यागी से आप यही उम्मीद कर सकते हैं, इसीलिए आज योगी महाराज जी पूरे देश में इतने पॉपुलर हैं, आज 25 करोड़ की आबादी के उत्तर प्रदेश को इतने प्रेम से और इतने ध्यान से चला, जब एक इंसान निस्वार्थ त्यागी होता है और शासन का अनुशासन का पालन करता है, तो तब जाके आप इस प्रदेश को आज इतना ऊंचाई पे पहुंचाते हो, आज उत्तर प्रदेश की GDP रेट और इकोनॉमी हम लोग नंबर 2 पर आए, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में उत्तर प्रदेश नंबर 1 भी हो जाएगा GDP रेट पे, रोज़गार है बच्चों के लिए, युवाओं के लिए नए रोज़गार की बहुत उपलब्धियाँ हैं, आत्मनिर्भर भारत जो स्किल्स के लिए या स्मार्टफोन बांट रहे हैं या टैबलेट्स बांट रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, ये राज्य सरकार को, महाराज जी को मैं इसके लिए दिल से धन्यवाद दूंगा, एक बहुत दूरदृष्टि का बजट है ये,
अशोक कुमार मिश्रा जी के गृह प्रवेश में ये हमारे वकील वाड़न मुंबई में ये हमारे कुल अजब इनकर आज हमारे मीटिंग हो रहे और हम गोरखपुर से हम खास जहाज पकड़ के आए। गोरखपुर से बनारस के जहाज शुरू हो गए बात महाराज जी का आशीर्वाद से। हम गोरखपुर सांसद है तो पूरा बहुत सुविधा गोरखपुर में कब ही है। जितना भी सेवा करे का मौका हमके तो कब है कोनो भी जरूरत हुई गोरखपुर में तो हमको बताइए। यहाँ की भी समस्याओं को आप बता सकते हैं। मेरे पुरखों की धरती है ले लो खचाल अब हाँ जिसका हो गया वो हो जाए। आज हम ऐजा आए रही गृह प्रवेश में एक एक रुपया हम जाना थे अशोक बाबू कैसे मेहनत से जुगाड़ करके वकालत में कमा कमा के ईमानदारी से जुगाड़ करके आज इतना भव्य वो महल जैसा मकान बनौल। आज यहाँ आके हमको बड़ा प्रसन्नता हो रही है और आप सब लोग भोजन पा रहे हैं तो ये हमके देख के बड़ा अच्छा लगा था कि एक ब्राह्मण आदमी है। ब्राह्मण को हमेशा गरीब कहा जाता है लेकिन आज ईमानदारी से ब्राह्मण लोग भी अपना एक सम्मान बना रहे हैं पूरे देश में विश्व में वो नाम होता महादेव की कृपा बा भगवान परशुराम जी की कृपा बाटे हमनी पे। आज ब्राह्मण ईमानदारी से चलता है और ब्राह्मणत्व को और ब्राह्मण को ईमानदार रहना चाहिए। ब्राह्मण की पहचान है त्याग। ब्राह्मण की पहचान ब्राह्मण पैदा होता है देने के लिए और वही ब्राह्मण सच्चा होता है जो देने के भाव से पैदा होता है। तो ब्राह्मण जब ये विचारों के साथ आता है दो ढाई हजार तीन हजार लोग भोजन पाइए 5,000 लोग यार भोजन खाइए तो यही ब्राह्मणत्व है। ब्राह्मण आता है वो पाता है वो बांटता है। ब्राह्मण हमेशा आई पूजाओं करी तो कही कि इन गौ के खियावा इनके खियावा पेड़ के खियावा इनके खियावा। ब्राह्मण हमेशा देने की बात करता है। ब्राह्मण कभी लेता नहीं है स्वाभिमान से रही दाल रोटी नून रोटी खा के चल जाए दूध जय हो शंभू।